नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज। बड़ी बहस के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। प्रदेश के कानून व्यवस्था कैसी है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। पिछले दो दिनों में कम से कम 4 से 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया है। झज्जर हो, जींद हो या फिर यमुनानगर हो, प्रदेश के हर हिस्से से दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रख दिया है। सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर उस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रदेश में बदमाशों का कहर और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जाननी हो तो कुछ खबरों पर गौर फरमाएं। मामला नंबर 1, यमुनानगर का पटेल नगर, जहां बीती रात करीब 9 बजे एक पुराने नौकर ने अपने ही मालिक के घर को निशाना बनाया। नौकर ने अपने 3 साथियों के साथ घर वालों को बंधक बनाकर बेखौफ लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों की माने तो उनके पुराने नौकर विनय ने अपने कुछ साथियों के साथ गन पॉइंट पर घर में लूट की, हवाई फायरिंग की और 3 लाख से ऊपर का सामान लेकर चलता बना। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। घटना नंबर 2, सफीदों में बदमाशों ने रंगदारी ना देने पर एक शराब ठेकेदार को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल ठेकेदार के मुताबिक रंगदारी ना देने की वजह से नरेश पहलवान गैंग के बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला किया। पुलिस प्रशासन ने फिर से मामला दर्ज कर कार्रवाई की लीपापोती शुरू कर दी। वारदात नंबर 3, झज्जर में पूर्व इनेलो नेता सतीश देशवाल की कुछ हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की माने तो घटना की वजह पैसों की लेन देन हो सकती है, लेकिन अभी खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। घटना नंबर 4, जींद में 30 वर्षीय एक महिला के साथ नशे की हालत में 5 लोगों ने गैंगरेप किया और उसे धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने खानापूर्ति की मामला दर्ज किया और कहा कि आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ये वो कुछ घटनाएं हैं जो तस्दीक करती हैं कि रक्षक पस्त हैं और भक्षक मस्त हैं। अब सवाल यही कि कहां गए पुलिस प्रशासन और सरकार के वो दावे जो समय समय पर आम जनता से किए जाते हैं। सवाल ये भी कि आखिर आम जनता के साथ का दम भरने वाली पुलिस इन बदमाशों से कैसे निपट पाएगी और कैसे प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो ये आलम तब है जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं, आचार संहिता लगी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही है कि कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर ना आए। ये आलम उस प्रदेश का है जहां पर जनता की सेवा और सुरक्षा सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन हमेशा तत्पर रहने के दावे करता है, लेकिन तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से रंगदारी ना देने पर बदमाश गोली मार देते हैं, किस तरीके से पैसों के लेन देन में गोली मार देते हैं, किस तरीके से दिन दहाड़े घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लूटपाट की जाती है, आतंकित किया जाता है, महिला की अस्मत से खिलवाड़ किया जाता है। ये उस प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर सुशासन के दावे किए जा रहे हैं, जहां पर सेवा सुरक्षा और सहयोग के दावे किए जा रहे हैं। तस्वीरें सिर्फ एक जगह से नहीं है, प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आए हैं जिनमें से कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें हमने आप तक ये पहुंचाई हैं कि आखिर कहां गए सरकार और प्रशासन के वो दावे जिसमें सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा दिया जाता है, आम जनता की रक्षा की बात की जाती है। यमुनानगर का पटेल नगर, जहां पर एक नौकर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर गन पॉइंट पे पूरे घर को ही लूट लिया, बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट की, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। सफीदों में बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर एक ठेकेदार को गोली मार दी। इनेलो के पूर्व नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चलिए, संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। विजेंद्र, पिछले दो दिनों की अगर हम घटनाक्रम पर नजर डालें हरियाणा के, तो इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। हालांकि पहली बार नहीं है जब परिस्थितियां इतनी विकराल रूप है, लेकिन ये तब है जब पुलिस प्रशासन चौकस रहने के दावे करता है, किसी भी अप्रिय घटना से इनकार करता है, जनता की सेवा और सुरक्षा सहयोग के नारे दिए जाते हैं। पिछले दो दिनों में लगातार उत्पात मचाया है इन बदमाशों ने।
बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कानून व्यवस्था की तो फिलहाल जिस तरह से चुनाव भी है लोकसभा चुनाव उसको लेकर भी कानून व्यवस्था मजबूत करने का दावा पुलिस प्रशासन कर चुका है। फ्लैग मार्च भी लगातार निकाले जा रहे हैं अगर बात करें तो। लेकिन जो बेखौफ बदमाश है साइबर सिटी में तो पहले ही इतना क्राइम पहले ही मौजूदा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर बलात्कार लूट रंगदारी हत्या जैसे मामले लगातार यहाँ पर देखे गए। हाल ही में कल दो युवकों की हत्या कर दी गई थी डंडे और ईंट से पीट पीट कर। फिलहाल जो क्राइम का हालात है गुरुग्राम में वो लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, तो कहीं ना कहीं साइबर सिटी अपराधों का गढ़ बन चुका है। ऐसे में कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं की गई तो लगातार यहाँ पर जो कानून के हालात हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं। अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के सामने चुनौती है चाहे गैंगवार की बात करें, लगातार यहाँ पर जो गैंग सक्रिय है जो कि फिरौती और रंगदारी मांग रहे हैं। इससे पहले भी एक गैंग जो कौशल गैंग है वो एक उसकी हत्या कर चुका है एक बुक्की की, और उसके बाद एक जेडी नाम के शख्स की भी हत्या की गई थी। उसके बाद लगातार ये हत्याओं का सिलसिला जारी है, तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है जी। विजेंद्र, इस बाबत क्या बातचीत हो पाई पुलिस प्रशासन से कि इतनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की बात की जाती है और वो भी साइबर सिटी में, जब साइबर हब का ये हाल है तो प्रदेश के दूर दराज के इलाकों की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बात है कि दावे तो किए जाते हैं कि जो रात को मॉनिटरिंग होती है और साफ तौर पर जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है चौक चौराहे पर, हालांकि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जो पुलिस है चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात करें चाहे रात को जो गश्त लगाने वाली राइडर है पीसीआर है वो दुरुस्त है, जो दुर्गा वाहिनी है वो दुरुस्त है, लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार उसके बावजूद भी आती है। जो छेड़छाड़ की घटनाएं हैं या रेप की घटनाएं हैं या उनके साथ लूटपाट की घटनाएं, आज इन गन पॉइंट पर गाड़ी लूट ली जाती है हाईवे से, किसी को बंधक बनाकर फेंक दिया जाता है, तो ये आम सी घटनाएं होने लगी है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का दिवालिया निकलता नजर आ रहा है। बिल्कुल विजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। संवाददाता विजेंद्र कुमार जुड़े हुए थे और बता रहे थे किस तरीके से गुरुग्राम में साइबर हब में कानून व्यवस्था का जनाजा बिल्कुल निकला हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं। रुख यमुनानगर का कर लेते हैं, संवाददाता सुमित ओब्रॉय हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुमित, यमुनानगर का पटेल नगर जहां से खबर आपने दी कि किस तरीके से बेखौफ जो बदमाश थे उन्होंने गन पॉइंट पर पूरे घर को लूट लिया, आखिर कहां है पुलिस प्रशासन, कहां सोया हुआ है या फिर वही लीपापोती की जाएगी कि हम जांच कर रहे हैं, हमने टीमें लगा दी हैं और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जो जिस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं और जो देर रात भी जो मामला देखने को मिला कि नौकर द्वारा ही गन पॉइंट पर जो है बंधक बनाकर इस तरीके की वारदात जो सामने आई और कैश और जेवर लेकर वहां से वो फरार हो गए, और इस तरीके की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से जांच भी की जाती है, कार्रवाई भी की जाती है, अपराधी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो इस तरीके की वारदातें जो है सरासर देखने को मिलती है। इससे पहले भी एक अगर बात करें तो करीब डेढ़ महीना पहले भी यमुनानगर के अंदर एक ऐसी वारदात सामने आई थी कि सुबह जो है सैर करने जाने वाले व्यक्ति की जो है गाड़ी जो लूट ली गई थी, और इस तरीके के बात की जाए दुर्गा शक्ति की चाहे बात की जाए कहीं और मामलों में बात की जाए तो कानून व्यवस्था बनाए जाने के लिए अलग अलग यहाँ पर पुलिस की जो तैयारियां जरूर नजर आती हैं, लेकिन जो कानून को तोड़ने वाले लोग हैं जो अपराधी लोग हैं वो अक्सर जो है कानून पर कहीं ना कहीं हावी दिखाई देते हैं, चाहे वो माइनिंग माफिया की बात की जाए या कहीं अन्य मामलों की बात की जाए तो वो पुलिस पर भी हमला करने में गुरेज नहीं करते। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए या यमुनानगर के अंदर भी बात की जाए, हालांकि पुलिस, फिर से मैं वही कहूंगा कि हर बार जो कोई घटना होती है उस पर जो है पुलिस की कार्रवाई की जाती है, जांच की जाती है, अपराधी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनका जो है जो कानून का जो खौफ उनके अंदर नहीं है, तभी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती हैं। सुमित, पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है इन बदमाशों में, लेकिन कोई तो रणनीति पुलिस प्रशासन अब बना रहा है। अगर हालात यही चलते रहे, आगे लोकसभा चुनाव है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के जिम्मे पर है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, अगर यही ढिलाई बढ़ती गई तो आगे चल के इसके और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्या इस बात को प्रशासन नहीं सोच रहा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चाहे वो लोकसभा चुनावों की तैयारियां हैं, पुलिस
का यही कहना है कि वो अलर्ट पर है। हालांकि कुछ मामले अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो अवैध रूप से कई जगह से शराब जो है वो पकड़ी भी गई है और अलग अलग जगह पर जो है रेड की जाती है और पुलिस द्वारा रात को भी नाइट डोमिनेशन चलाया जा रहा है, उसके तहत जो है पूरे जिले के अंदर नाके लगाए जाते हैं, पुलिस की तरफ से व्यवस्था की भी जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कहें वही बात निकल कर आती है कि अपराधी कहीं ना कहीं जो है इस कानून पर हावी होते नजर आते हैं, जिसके लिए जो खौफ एक कानून का एक खौफ होना चाहिए, एक वर्दी का एक डर हो जाना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं नजर आता। और वो यहाँ तक कि चौकी के अंदर घुसकर जो है पुलिस कर्मचारियों से भी मारपीट की जाती है, चौकी के अंदर तोड़फोड़ कर दी जाती है और उसके बाद जो बेखौफ अपराधी हैं वो वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो पुलिस चुनावों को लेकर जिस तरीके से गश्त बढ़ाई जा रही है और रात के समय भी गश्त की जाती है, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी पुलिस की गश्त है, तो फिलहाल पुलिस का यह कहना है कि इन सबको जो है कानून के दायरे में रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अलग तरीके से जो है चुनावों को लेकर यहाँ पर तैयारी जरूर नजर आ रही है। जी चलिए सुमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहां से सुरक्षित होगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता सुमित बता रहे थे कि पुलिस चौकी में घुसकर ही पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हैं, उन्हें मारपीट कर फरार हो जाते हैं, धमकी देते हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जी तो प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे पिछले 2 से 3 दिनों में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहां पर बदमाश, और पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई करने में नाकाम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रक्षक यहां पर पस्त हैं और भक्षक यहां पर मस्त है। प्रदेश में बदमाशों का कहर, यमुनानगर में बीती रात गन पॉइंट पर एक परिवार को लूट लिया गया बंधक बनाकर, घर के पुराने नौकर ने बेखौफ होकर 3 लोगों के साथ इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सफेदों में बदमाशों ने रंगदारी ना देने पर एक शराब ठेकेदार को गोली मार दी गई। गुरुग्राम की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कैसे 2 लोगों की हत्या कर दी गई, कैसे गैंगवार छिड़ा हुआ है। अगर हम गुरुग्राम की बात करें, साइबर हब की बात करें, झज्जर में पूर्व इनेलो नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पैसों के लेन देन का विवाद पुलिस प्रशासन बता रहा है, लेकिन उसके जो हत्यारे हैं वो कब गिरफ्त में आएंगे इसको बता पाने में पुलिस प्रशासन नाकाम है। तो आपको बता दें कि जींद में भी एक महिला के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। ये तमाम घटनाएं ये बता रही हैं कि पुलिस प्रशासन कितना ढीला है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था को ठेंगे पर लेकर चल रहे हैं ये बदमाश। इन बदमाशों का कहर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है और ये कमोबेश एक ही जगह से तस्वीरें नहीं है। रुक सिरसा का कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जो तस्वीरें बन रही हैं निकलकर सामने आ रही हैं, पूरे प्रदेश से कमोबेश यही हालात नजर आ रहे हैं कि बदमाशों के कब्जे में नजर आ रहा है पूरा का पूरा जो पुलिस प्रशासन है, या यूं कह लें कि पूरी की पूरी जो कानून व्यवस्था है। कहीं पर लूट, कहीं पर मर्डर, कहीं पर गैंगरेप, इस तरह की खबरें जो है वो इस तरह से आम हो गई कि लोग अब यही पूछ रहे हैं कि कहां है पुलिस प्रशासन जो सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देती है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में भी हालात ऐसे ही हैं और सिरसा के भी हालात ऐसे ही हैं। यहाँ काफी संख्या में जो है आपराधिक मामले सामने आए, हालांकि पुलिस की ओर से एक नशा तस्करी के खिलाफ जो है अभियान जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन उस अभियान के भी रिजल्ट जो है वो कोई बहुत बड़े नहीं आ पा रहे हैं। अगर चोरियों की और लूट की बात की जाए, चोरी की वारदातों में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है जिस पर कोई रोकथाम करने के लिए प्रशासन जो है वो नाकाम साबित हो रहा है। अगर सिरसा की अनाज मंडी की बात की जाए, एक साथ जो है 21 दुकानों के ताले टूटे थे, लेकिन आज तक कोई खुलासा पुलिस प्रशासन नहीं कर पाया है। तो ऐसे में बड़े सवाल है कि कानून पस्त बड़ा है और जो अपराधी है वो मस्त है प्रदेश में, इस प्रकार के हालात यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अमित, बहुत महत्वपूर्ण एक बात आपने बताई कि सिरसा के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी पूरे तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के दावे करता है, लेकिन क्या वो मुस्तैदी आप देख पा रहे हैं क्या कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दिया जाएगा? सिरसा की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई यहाँ नजर नहीं आ रहा। नाकेबंदी की बात जरूर की जाती है, जिला प्रशासन की ओर से इंटरस्टेट जो है ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई गई जिसमें पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी उस बैठक में आए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई जबरदस्त जो नाकेबंदी अगर करने की बात की गई हो वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि सिरसा के बारे में एक बात और विशेष रूप से आपको बता दूं कि सिरसा जो है
वो हरियाणा के बॉर्डर पर है और उसके साथ साथ पंजाब और राजस्थान की सीमाएं लगती हैं। बिल्कुल, ऐसे में अपराधियों के लिए भी एक त्रिवेणी का काम यह है करती है सिरसा की जो बॉर्डर है, और यहाँ से नशों की जो खेप है वो बड़े पैमाने पर चलती है, नशा तस्करी भी होती है और अपराधियों का जो है आवागमन भी बड़ी आसानी से होता है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन अब तक ऐसा कोई सतर्कता ना ही चुनाव के दृष्टिगत और ना ही जो आम दिनों के दृष्टिगत नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित। और वैसे भी बेहद संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, अगर बॉर्डर का इलाका है तो और ज्यादा चौकसी होनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर कब पुलिस प्रशासन जो नारे करता है, जो दावे करता है, उन पर खरा उतरेगा, और कब ये जो भक्षक है वो पस्त होंगे और रक्षक मस्त होगा।